आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 11th कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का सेट ए का अभ्यास पेपर पूर्व अभ्यास पेपर जो का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन ही बताऊंगा, साथ ही समझाते भी जाऊंगा। ओके, तो ध्यान से आपको देखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अभ्यास पेपर का सेट ए का फुल सॉल्यूशन डाल दिया है। उसका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका पैसेज आता है, अनसीन पैसेज है आपका। ओके, 10 नंबर का रहने वाला है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैसेज को पढ़कर समझकर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं। मैंने तो पैसेज को समझ लिया है। ओके, और मैंने कहा है इसके आंसर भी तैयार किए हैं तो मैं आपको बता दिया रहा हूँ। लेकिन जब आप आंसर तैयार करें तो एक बार आपको स्वयं पढ़ना है, स्वयं आंसर निकालना है। ओके, फिर मैं आपको केवल आदर्श उत्तर बता रहा हूँ कैसे आपको रखना है। ओके, और आपसे छाड़ते नहीं बनना तो वह भी मैं आपको बताते की कोशिश करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बटरफ्लाई इन इको सिस्टम। ओके, इसमें क्या सिस्टम है, बटरफ्लाई का क्या इको सिस्टम में क्या रोल है। ओके, क्या महत्व, तो इसका राइट आंसर आपको बी नंबर का हो जाएगा। ओके, पोलिनेशन। ओके, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो देखिए इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है पोलिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नोस स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर देयर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में कितनी स्पीसीज हैं। ओके, कितनी जातियां हैं आपकी बटरफ्लाई की। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कितना आंसर दिया है, 17,000 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17,000। ओके, तो ये आपका आंसर कैसा, डी नंबर का हो जाएगा। ओके, इसका आंसर होगा डी नंबर का 17,000। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है तीसरा है कि व्हाट इज द टाइपिकल लाइफ स्पेस ऑफ बटरफ्लाई, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का 2 से 4 वीक्स। ओके, यहाँ आपका दिया हुआ है 2 से 4 वीक्स। ओके, ये आपका दिया हुआ है 2 से 4 वीक्स। ओके, तो इसका आंसर आपका दिया है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ कैसे आपको इनका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ओके, आंसर मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ लेकिन आपको समझ के इसको लेना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाइब्रेट कलर्स ऑफ द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एट्रैक्टिव मेट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका है, विच ऑफ फॉलोइंग बटरफ्लाईज स्पीसीज इज नोज फॉर इट्स एस्टिटिव माइनेशन पैटर्न्स। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोनार्च बटरफ्लाई। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका देखिए सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका मोनार्च बटरफ्लाई, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, देखिए माइग्रेशन पैटर्न कौन अपनाता है, मोनार्च बटरफ्लाई। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन के साथ आपको समझकर तैयार करना है, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है छठवां। ओके, तो इसका छठवें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ सर्कल। ओके, मतलब सबसे पहला स्टेज कौन होता है जब बटरफ्लाई बनती है। ओके, तो एग पहले क्या है, अंडे बनते हैं। ओके, तो एग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर बी नंबर का चेंज। ओके, नौवें का। फिर दसवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपका 4 नंबर का एक पैसेज दिया हुआ है जिसके आपको क्या है टाइटल बनाना है और इसके क्या है नोट्स तैयार करने हैं। टाइटल का आपको 1 नंबर मिलने वाला है, बाकी जो 3 नंबर बचते हैं वो आपके टाइटल आपके नोट्स लिखने के मिलेंगे। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। ये आपके योगा के बारे में इसमें पूरा दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको टाइटल और नोट्स लिखने हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, 2nd नंबर का आपका यह है सॉल्यूशन। ओके, ये आपका दिया हुआ है। टाइटल आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन अवर लाइफ। ओके, हमारे जीवन में योगा का क्या महत्व, ये आपके इस पैसेज में बताया गया है। ओके, नोट्स किस प्रकार से बनाना है, तो नोट्स इस प्रकार से आपको बनाना है, क्वेश्चन से देखकर बनाना है। पहले लिखना है आपको नीड फॉर योगा, हमें योगा की आवश्यकता क्यों है। ओके, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, मतलब दिमागी जो हमारी क्या है तनाव होता है उसे खत्म करने के लिए योगा की आवश्यकता होती है। केयर अबाउट मेंटल पीस, मन की शांति के लिए। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि हमें योगा की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, पहली आपको मेन हेडिंग, इसके आगे आकर सब हेडिंग लिखनी पड़ती है। ओके, 2 या 3 जितनी भी आपको बन जाए। ओके, फिर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, फिर योगा इन डेली लाइफ। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग, फिजिकल कंसिडरेशन। ओके, तो ये आपका हो जाता है 3 आपको नोट्स आपको बनाने हैं 3 नंबर के लिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है 2nd का आंसर। आगे देख लेते हैं सेक्शन सी, सेक्शन बी आ जाता है अपना राइटिंग वाला। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है, यू आर मंजुला, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन, ड्राप अ नोटिस टू हाउस कैप्टन। इसमें आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसमें आपका एनुअल फंक्शन पर आपको नोटिस बनाना है। एनुअल फंक्शन पर आपको क्या बनाना है, नोटिस बनाना। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसके हिसाब आप ले लीजिए। ये आपका है नोटिस दिया हुआ है एनुअल फंक्शन पर, मीटिंग होनी है एनुअल फंक्शन की, उसके ऊपर आपको बनाना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। इस प्रकार से आपको तैयार करना है, डेट वेट वगैरह आपको चेंज कर लेना है। ओके, और ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा तीसरे का अथवा देख लेते हैं।
तीसरे का अथवा है आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर बनाना है किसमें, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का क्या है अपना एक आपको प्लान है, ओके तो इसके ऊपर आपको एक बनाना है पोस्टर, ओके तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। तो इसका देखिए आपको पोस्टर किस प्रकार से बनाना है, पूरा एक बॉक्स बनाना कंप्लीट, ओके ये पहले आपको इतना लिखना है, ओके इसके आधे आगे आपको और दिया हुआ है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट है, आधा यहाँ है और आधा आपका यहाँ दिया हुआ है, ओके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस प्रकार से आप पोस्टर में आपका डिटेल लिख सकते हैं, ओके पोस्टर बनाते समय ये आधा आपका ये दिया हुआ है और आधा आपका ये, ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, ओके तो इसमें आपको क्या करना है, फिर राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्ट यू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको अपने प्रिंसिपल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान लो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या है एक आपको आवेदन पत्र लिखना है, ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ओके तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए आपका दिया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया है सब्जेक्ट आपका इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके बस आपको क्या है नेम चेंज कर लीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है नेम वही लिखना है, डेट आप बदल लीजिएगा, बाकी आपको यही रहने वाला है, इस प्रकार से रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट आता है तुरंत ही क्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अथवा मैं दोस्तों चौथे अथवा पूछे जा रहा है राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइज इंग हिम स्टडी इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको अपने फ्रेंड को क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है मैथ की तैयारी करे, सामान्य ज्ञान की तैयारी करे, रीजनिंग की इंग्लिश की तैयारी करे, इसके बारे में आपको क्या है एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, ओके तो ऐसा देख लीजिए आप आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका लेटर दिया हुआ है, ओके तो ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इस प्रकार से आपका लिखना है, ओके ये आपका लेटर का पूरा दिया हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ओके जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें कोई भी एक टॉपिक पर तीन टॉपिक दिए इनमें से क्या है एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है, आर्टिकल राइटिंग करनी है, ओके एक पेज मतलब इन टॉपिक में आपको कोई भी एक टॉपिक पर एक पेज आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओके तो इसका आप देख लीजिएगा, ओके लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये आपका दिया हुआ है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इस प्रकार से दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप तैयार करना चाहते हैं, इससे भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ओके कोई भी आपको जब आर्टिकल राइटिंग आए पैराग्राफ राइटिंग आए चार नंबर का रहता है तो आपको क्या है एक पेज आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है पेपर में, ओके तो ये आपका दिया एक पेज आपको उसको तैयार कर लेना है, ये आपका हो जाता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा अथवा में क्या है NSSNCC का क्या है आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो इसे आप क्या है अपने से देख लीजिएगा, ओके ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको पूरा रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर का, ओके फिल इन द ब्लैंक्स करना है, पांच नंबर का पहला है हॉलैंड इज डेड डैश यूरोपियन कंट्री, ओके तो यूरोपियन यू बोलते हैं, जब यूरोपियन बोलते हैं तो क्या आता है यह आता है, ओके इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ओके यूरोपियन में क्या है ये आ रहा तो ये आपका ए हो जाएगा, ओके नेक्स्ट है यू डेड डस वियर योर सीट बेल्ट बिल वेल यू आर ड्राइविंग अ कार, तो ये आपका मस्ट हो जाएगा, ओके मस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश इज तो यहाँ हो जाएगा स्पीकिंग हो जाएगा इन मैनी कंट्रीज डू यू नो डेड डस हैज हैपन्ड तो वाट हैपन हो जाएगा, ओके नेक्स्ट है दोस्तों द पोस्ट ऑफिस इन अक्रॉस अक्रॉस हो जाएगा द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ओके नेक्स्ट है द डेड डस क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट होल क्लास, ओके मतलब संपूर्ण क्लास, ओके कंप्लीट हो जाता है। डू एस डायरेक्ट देख लेते हैं तो पहला है मोहन इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बैग सो दैट का प्रयोग करना है, ओके मैंने आपको सो डैट के टू टेबल टू के प्रयोग बताए थे, ओके उस रूल की सहायता से आप इजी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, इसका आंसर आपको लिखना है क्या आंसर लिखना है कि मोहन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ओके लिफ्ट दिस बैग ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड है द स्टूडेंट सेट टू बुक सेलर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, इसको आपको क्या है नरेशन में आपको बनाना है तो इसे देख लीजिएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट आस्क द बुक सेलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ बुक, ओके ये आपका हो जाएगा, ओके ध्यान रखिएगा इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ओके जब नरेशन में आप चेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें आपको जो अंडरलाइन है इसको आपको बताना है कौन सा क्लॉज है, इसको आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इसको आपको क्या है अनलेस का प्रयोग करना है, ओके तो इफ के स्थान पर आपको क्या है अनलेस लिख देना है, ओके फिर आपको क्या है जो आपका डज नॉट है इसी आपको हटा देना है, डज नॉट आपको पूरा हट जाएगा बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है देख लीजिए, तो आंसर आपका रहेगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, ये इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहेगा। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा दोस्तों हमारा है द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द वर्कर्स इन अ डे, इसको क्या है वॉइस में आपको बदलना है,
तो वाइस में आपको इसे लिखना है द वर्कर्स फिनिश द वर्क इन अ डे, ये आपका हो जाएगा ओके वाइस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लास्ट है सी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली, इसको आपको क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज हैव ओके, तो बस सी के साथ क्या लगता है आपका हैव लगता है ओके, तो बस आपको हैज लगता है आपका ओके, तो आपका हो जाएगा सी हैज वर्क। और जब क्या है आपका जो थर्ड फॉर्म आता है ओके, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है थर्ड फॉर्म आता है तो सी has worked hard to support her family, तो इस प्रकार से आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा do as directed। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे एक पैसेज पूछा गया है, इससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर देना है। और ये आपका पैसेज लिया गया है जी आपकी जो हॉर्नबिल पुस्तक है उससे आपका लिया गया है ओके, हॉर्नबिल के पोर्स से ओके। इसके बाद फिर पोएट्री वाला आता है, तो इसका देखिए आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताते जाऊंगा। पहले आपका ये कहाँ से लिया गया है टेक्स्ट, तो ये आपका लिया गया है सिल्क रोड से ओके, ये कि क्वेश्चन ही में इसमें लिखा हुआ पैसेज में सिल्क रोड है मतलब सिल्क रोड वाले से लिया गया है। नेक्स्ट है दूसरा है व्हाट एक्शन द ट्रिब्यूनेट, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इससे आपका राइट आंसर होगा सेकंड का डी नंबर का ओके, डी नंबर का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाई वर ट्रिब्यूनेट मेस्टिफर्ड्स पॉपुलर इन चाइना ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एज हंटिंग डॉग्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा राइट चौथा है व्हाट कलर्स द ट्रिब्यूनेटन मेस्टिफर्ड्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्क ब्लैक ओके, तो इसका आपको क्लियर थोड़ा कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ शेयर ओके, इसका राइट आंसर सी नंबर का टू टर्न सेफरी ओके, ये आपका हो जाता है आंसर। इन दोनों का आपको चौथे पांच में क्लियर करके आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा आंसर ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, तो अब नौवे में अपना पहला पैसेज आता है पोएट्री से लिया गया है हॉर्नबिल की, तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए ओके। पहला है अपना व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज द फादर एंड सन ओके, तो इसका हो जाएगा बी नंबर का स्ट्रेट ओके, इसे भी देख लीजिएगा इसे कोड में थोड़ा डाउट है कोड या स्टैंड में, तो इसे भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है दिस लाइन शो ओके, दिस लाइन मतलब ये लाइन क्या बताना चाहती है ओके, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रिफ ऑफ फादर ओके, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फादर भी इसका हो सकता है लेकिन आप इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रिफ ऑफ फादर, एक बार देख लीजिए ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। आगे देख लेते प्रश्न क्रमांक 9 तो बी में इसे पैराग्राफ है जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से लिया गया ओके, तो इसमें देख लेते हैं इससे भी क्या है 4 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का कजन ऑफ स्पीकर्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कहां से लिया गया है स्टैक, तो ये लिया गया है अपना द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से। फिर तीसरा है इन विच लैंग्वेज डिड मॉडर्स स्पीक, तो इसका हो जाएगा अमेरिकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा है अपना राइट अ नाउन ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन है आपका ब्यूटी, ब्यूटी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ई ए यू टी आई ओके, यह हो जाता। अब देख लेते हैं हम रह जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ओके। तो पहला है व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर्स वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल, तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा व्हाई वाज ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर्स एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कंप्लीट हो जाता है। आप क्या इनका सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nagasakiclasses.com पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ओके। नेक्स्ट सेकंड है हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल देयर फियर स्ट्रेक पेरेंट्स ओके, जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया है, 2 लाइन आपकी यहाँ दी हुई है, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतना। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है व्हाई वाज चेयर ओके अनकाउंटेड, ये आपका एडवेंचर वाले चैप्टर से लिया गया है, जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है व्हाई वाज चेयर अनकाउंटेड, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं ओके, आगे दोस्तों आपके जो चौथा और पांचवा है इनका मेरे पास क्लियर आंसर नहीं ओके, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसे आप अपने से स्वयं करने की हल करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों छठवां आ जाता है ओके, हाउ डिड नोटबो बिकम एन आइडिया कंपेरिजन फॉर द ऑथर्स ओके, इसके लोड वाले चैप्टर से लिया गया, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका दिया हुआ है हाउ डिड नोरबू बिकम एन आइडिया कंप्लेन फॉर द ऑथर ओके, तो इसका लीजिए कंप्लेन फॉर द ऑथर, स्क्रीन शॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 ओके, पोएट्री सेक्शन से आपके लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ वाले चैप्टर से लिया गया है, चलिए सॉल्यूशन बता देता हूँ। तीसरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फास्ट ही छोड़ लीजिए, अच्छे से तैयार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है पेपर में ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन
इफ इट डजंट रेन, द वॉइस ऑफ द रेन वाले चैप्टर से लिया गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी इंसर्ट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी इंसर्ट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। जो थर्ड वाला है इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो इसे आप देख लीजिए अपनी तरफ से। ओके, द लैम्बर्ट टॉप से आपका क्वेश्चन। ओके, चौथा है आपका व्हाट डज द फादर इंटेंड टू डू ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग हिज सन। ओके, फादर ऑफ टू सन से आपका चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया है सॉल्यूशन कंप्लीट, काफ़ी लॉन्ग दिया है, थोड़ा सा आपका शॉर्ट में आपको लिखना है कि आपका दिया हुआ है। ओके, दो नंबर के हिसाब से इसमें काफ़ी लॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका दिया है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं आप क्वेश्चन क्रमांक 12 में। ओके, क्वेश्चन क्रमांक 12 में भी हमें कहे चार क्वेश्चन दिए, कोई आपको दो करना है। ओके, पहला है अपना व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं Why had the author comes to visit Mr. Rowling? Okay, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। सो इसका स्क्रीनशॉट क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है व्हाट डिजन डिज मिस्टर पर्सन गिव अ साइकिल फॉर नॉट मेकिंग टी। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे और दिया है थोड़ा, ये एक लाइन और ये आपकी, तो ये हो जाती है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू विल्ड एंड एज। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी छोड़ लीजिए। व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू विल्ड एंड अर्च, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसी छोड़ आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इससे देख लेते क्वेश्चन। तो ये आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो अभी आपके लॉन्ग वाले हो जाते होंगे, जो आपकी हॉर्नबिल से पोर्सी से हैं, लेकिन लॉन्ग वाले आवाज स्टार्ट हो जाते हैं। तो द पोएट्री ऑफ लेडीज से क्वेश्चन आपका दिया गया है। ओके, आपको इसमें क्या है कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर आपको बताना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। अभी इसके आंसर आप क्या है लॉन्ग मिलेंगे, क्योंकि आपका ये लॉन्ग वाले। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए इस आप ले लीजिए फास्ट। ये आपका दिया है, उसमें आपको क्या है कैरेक्टर इसकी जो ग्रैंड मदर आपको बताना है। ओके, इस चैप्टर के अनुसार। ओके, द पोएट्री ऑफ लेडी के अनुसार आपको इसमें चैप्टर के अनुसार आपको बताना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड आपका ये आपका दिया हुआ है। ओके, द एडवेंचर वाले चैप्टर से लिया गया है सेकंड वाला, इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरा दो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, सेकंड वाले का, तो इसके हिसाब से क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसकी हिसाब ले लीजिए, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी इसकी ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा हमारा है सिल्क रोड रोड वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये तीसरे वाले का आंसर है। ओके, तो ये आपका 13 का तीसरा है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अब आपके आ जाते हैं लॉन्ग वाले हैं आपका। ओके, दो में से एक करना है पोएट्री सेक्शन से। ओके, तो इसमें आपको क्या है आप फोटोग्राफ आपको क्या है व्हाट आर द थ्री फेस डिस्क्राइब्ड इन द पोयम अ फोटोग्राफ। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सो इसी छोड़ा इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। आपको इसमें क्या है थ्री फेस बताने हैं इसके फोटोग्राफ पोयम के। ओके, ये आपके थ्री फेस दिए हुए हैं फोटोग्राफ पोयम के, इसी छोड़ इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, और इसके आगे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक लाइन और ये है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड। ओके, हाउ डिड ही फील। ओके, चाइल्डहुड वाले चैप्टर से आपका ये लिया गया है, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड हाउ डिड ही फील, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाला जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग क्यों है। ओके, ये कहानी इंटरेस्टिंग क्यों बन जाती है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। ये आपका दिया हुआ है कि व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वर्थ वाले आप जो चैप्टर है इससे लिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, आई हैव डन समथिंग ओह गॉड आई डन समथिंग रियल एट ए टेस्ट व्हाट डज द इंड्यूड से दिस व्हाट डज इट मीन्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपके क्या है लास्ट 15 क्वेश्चन का अथवा वाली का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है ऑल क्वेश्चन की मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। इस प्रकार से हमने सेट ए इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया, क्लास 11 का। ओके, आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड वाला सारी क्लासेस.com से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।